सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षा क्लासेस। जैसे कि हर बार मैं इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स आपके सामने लेके आती हूँ, स्पेशली टेंथ और ट्वेल्थ बोर्ड क्लासेस के लिए। तो आज भी एक टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। ओके, टुडेज टॉपिक इज लेटर राइटिंग। किस तरीके से लेटर राइटिंग की जाती है हम आज डिस्कस करेंगे। और लेटर राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर इंग्लिश के कोई भी क्लासेस हो उसमें लेटर राइटिंग शुरू हो जाता है सिक्स क्लास से। तो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं इसमें क्लियर आउट करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लेटर हैं। सबसे पहला होता है बिजनेस लेटर, जो भी बिजनेस के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी को लिख रही है, कोई पर्सन किसी कंपनी को लिख रहा है या शॉपकीपर को लिखे जाते हैं, वो होते हैं बिजनेस लेटर्स। सेकेंड है ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स जब ऑफिस के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफिस हैं जैसे स्कूल्स हैं, वो अगर लिख रहे हैं, ऑफिस को भी लिख रहा है, स्कूल्स वगैरह लिख रहे हैं, ऑफिस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, रिटन कम्युनिकेशन, वो उसमें ऑफिशियल लेटर्स जो है वो लिखे जाते हैं। थर्ड है लेटर्स टू एडिटर्स। जब भी जो हम न्यूज़पेपर के एडिटर से कोई न्यूज़ पब्लिश करवाने के लिए उसको हम लेटर लिखते हैं तो वो लेटर्स टू एडिटर्स कहलाते हैं। और लास्ट है एप्लीकेशन फॉर जॉब। जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब भी हम अपना एप्लीकेशन देते हैं विद रिज्यूमे, तो वो जो लेटर्स कहलाते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब। बेसिकली ये फोर टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं और लगभग इन सभी लेटर्स का फॉर्मेट जो है वो सेम होता है। कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे बिजनेस लेटर के अंदर रेफरेंस ऑफ द लेटर नंबर दिया जाता है और एप्लीकेशन फॉर जॉब में रिज्यूम ऐड किया जाता है। तो पहले हम आज बेसिक फॉर्मेट इसका पढ़ेंगे, लेटर का एक बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। और एक चीज़ और, हमें इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि वॉट इज़ एप्लीकेशन, वॉट इज़ लेटर। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वही एप्लीकेशन कहलाते हैं, अलग से कोई एप्लीकेशन का फॉर्मेट नहीं है। तो जब भी हम कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं और हम किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, कोई अप्लाई कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन ही कहलाता है। तो उसमें कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है कि हम तो इसमें तो लेटर राइटिंग पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताया। ये एक तरीके से टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन में भी आता है इसमें। जैसे लेटर्स फॉर कंप्लेंट जो है वो हम एक तरीके से एप्लीकेशन देते हैं। जब भी हम किसी अथॉरिटी से कंप्लेंट कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो एप्लीकेशन है। अगर हम स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं वो एप्लीकेशन है, बट वो आएगा लेटर राइटिंग में, वो फॉर्मल लेटर्स हो जाते हैं। तो अब हम एक लेटर का फॉर्मेट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन है हमारा, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। बेसिकली ये एक कंप्लेंट लेटर है और ये एप्लीकेशन भी हो सकता है, राइट एन एप्लीकेशन भी क्वेश्चन आ सकता है या राइट अ लेटर भी आता, बात एक ही है। कलेक्टर को लिखनी है एप्लीकेशन और हमारे डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी इस एरिया में, हमारे जो एरिया में है वो इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम उसकी कंप्लेंट कलेक्टर को दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। तो इसके लिए क्या फॉर्मेट होगा? ओके, सबसे पहले आता है एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। जो भी लेटर को लिख रहा है, जो भी इस लेटर को लिखकर भेजेगा आगे, उसका एड्रेस। सिंपली अगर कोई पर्सन लिखता है तो उसके घर का एड्रेस आएगा। एड्रेस लिखने का तरीका क्या है? थ्री लाइन्स। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आजकल लेटर का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है, तो बिल्कुल सारा जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड से लिखा जाता है, कुछ भी राइट साइड पे नहीं जाता। तो लेफ्ट साइड से ही शुरू करना है, बिल्कुल वो एक हर लाइन का फर्स्ट वर्ड जो है एक के नीचे एक आएगा, कहीं पर भी स्पेस नहीं देना, ठीक है? तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है लेफ्ट साइड का। अब हम फॉर्मेट शुरू करते हैं, तो इस फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है और सेंडर्स एड्रेस जो होता है सिर्फ थ्री लाइन्स ऑफ एड्रेस होता है और स्वीट एंड शॉर्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे तीन लाइन में लिखा है, तो क्या इसका प्रोसेस होता है लिखने का? फोर्थ लाइन में जब मैंने लिखा है तो इसके अंदर हाउस नंबर है और उस कॉलोनी का नाम है जहाँ पर ये घर है। और सबसे पहले शुरुआत की थी छोटी जगह से, जैसे घर एक छोटी सी जगह है, वो किसी कॉलोनी में है तो वो घर से थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसके आगे फिर कॉलोनी आ जाएगी, फिर कॉलोनी से बड़ा थोड़ा नगर होता है, तो उससे फिर नेक्स्ट लाइन में नगर आ जाएगा,
और उससे बड़ी सिटी होती है, तो फिर जयपुर आ जाएगा। मतलब छोटे से बड़े एरिया की तरफ हमें बढ़ना है, ठीक है, और 3 लाइन में हमें अपना एड्रेस कंप्लीट करना है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, और हाउस नंबर ज़रूरी है लिखना, लिखेंगे तो एक कंप्लीट एड्रेस लगेगा। नेक्स्ट, इसके बाद लिखा जाता है, एक लाइन छोड़नी है, अगेन लेफ्ट साइड से लिखना है हमें डेट। इंग्लिश में डेट लिखने का फॉर्मेट जो है वो इसी तरीके का होता है, जब भी आप डेट लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से ही लिखें। तो जो सबसे पहले डेट लिखी जाती है 12, देन मंथ लिखा जाता है कॉमा लगा के ईयर। और जब भी हम मंथ लिखते हैं तो अगर मंथ छोटा है जैसे MAY मे तो पूरा लिखना है, अगर बड़ा है तो इसके सिर्फ 3 लेटर्स लिखने हैं शुरुआत के, जैसे अप्रैल के APR, OCT अक्टूबर, SEP सितंबर, तो ये शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखनी है। इसके बाद फिर से लाइन छोड़ेंगे और फिर नेक्स्ट जो एड्रेस आएगा वो आएगा उनका जिसे हम लेटर लिख रहे हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा है कि लेटर कलेक्टर को लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले हम एड्रेस करेंगे कलेक्टर को। नेम तो हमें नहीं पता, नेम तो कोई भी हो सकता है, हो सकता है आज कोई और है कल कोई और आ जाए कलेक्टर की पोस्ट पे, इसलिए हमें उनके डेजिग्नेशन को संबोधित करना है, उनके पद को। उनका पद क्या है? कलेक्टर का है, वो कलेक्टर की पोस्ट पर है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा द कलेक्टर, इसमें कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है, द का टी बड़ा आएगा, कलेक्टर का सी भी कैपिटल होगा। नेक्स्ट, अब कलेक्टर जो है अब इनका क्या एड्रेस है, कौन सी सिटी के, तो डिस्ट्रिक्ट, सॉरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट के है, तो डिस्ट्रिक्ट आएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, एंड लास्ट में वही जो सिटी का नाम फिर से मेंशन करेंगे जयपुर। तो ये भी 3 लाइन का एड्रेस होगा। फिर नेक्स्ट, एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हमारा क्या सब्जेक्ट है, हम किस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एप्लीकेशन या लेटर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट से ही ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि लेटर किस टॉपिक पे है, तो इसलिए सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लोकेलिटी। जनरली हमें सब्जेक्ट जो है वो क्वेश्चन में ही मिल जाता है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये जो सारी डिटेल्स मैंने ऊपर बताई है ये सारी डिटेल्स हमको क्वेश्चन में मिल जाती है, इसलिए लेटर और एप्लीकेशन के क्वेश्चन हमेशा डिटेल में आते हैं और बड़े आते हैं। तो थोड़ी सी अगर हम अपना ट्रिक लगाएं तो काफ़ी जो हमें हिंट्स हैं वो क्वेश्चन में ही मिल जाएगी। तो सब्जेक्ट हमें लेना है, ये भी हमें क्वेश्चन से मिलेगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन में हमेशा हमें नहीं पता कलेक्टर के पोस्ट पे कोई सर है या मैडम है, तो जनरली सर लिखा जाता है और एस कैपिटल होगा। लाइन छोड़नी है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, लाइन्स कहाँ कहाँ छोड़नी है इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद है बॉडी पार्ट, अब यहाँ से एप्लीकेशन का पूरा बॉडी पार्ट शुरू होगा कि ये भी स्टूडेंट शॉर्ट होता है, ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जब आप एक साथ 10 लेटर्स याद कर रहे हैं कंप्लेन लेटर्स में, तो लास्ट और फर्स्ट लाइन सेम होती है। आप चाहो तो सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, जो हमने ऊपर सब्जेक्ट लिखा है उसी से हम अपनी पहली लाइन शुरू कर सकते हैं, और आगे हमने जोड़ दिया इस कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स। अब इसी तरीके से कोई और प्रॉब्लम है, गार्बेज की प्रॉब्लम है, तो वो सब्जेक्ट लिख के हम इस कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी जो है वो वहाँ के रेजिडेंशियल्स को असुविधा कर रही है, इनकन्वीनियंस पैदा कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन सेम हो सकती है, इसी तरीके से लास्ट लाइन सेम हो सकती है, और अगर हम थोड़ा सा अगर पढ़ते जाएंगे, लगभग हम 10 लेटर्स अगर याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें लिखना आ जाती है कि कौन सी लाइन के बाद क्या आएगा, तो ये बहुत ईजी हो जाता है फॉर्मेट। इसके बाद है थैंक यू, जब हमारा कंप्लीट हो जाता है लेटर फिर हम लास्ट में थैंक यू लिखते हैं, थैंक यू में टी कैपिटल होगा।